खुश रहिए, आबाद रहिए, और हो सके तो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहिए, क्योंकि इन्हीं के चरणों में समाए हैं चारों धाम, जो दिलाएंगे आपके लक्ष्य का पूरा परिणाम, जो दिलाएंगे आपके लक्ष्य का पूरा परिणाम। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रभात कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस डिजिटल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम के बारे में, और वहाँ पर हमने देखा था इसका क्लासिफिकेशन। और जनरली दो ही तरीके के नंबर हमारे होते हैं, एक आपका रियल नंबर होता है और एक आपका इमेजिनरी नंबर होता है, और इमेजिनरी को तोड़कर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाया था। अब यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, देखिए रियल नंबर से अगर आप बात करते हो तो पहले डेफिनेशन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। दोज नंबर्स विच इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स, इसी तरीके से देखिए अभी आपके प्राइम को प्राइम ट्विन पेयर पेयर प्राइम और इवन एंड परफेक्ट इम्परफेक्ट, ये सारे नंबर्स भी इसी के पार्ट होते हैं। तो उसको अगर जरूरत पड़े तो लिख लीजिएगा, नहीं तो इतना ही बहुत काफी है। एक इसी लगा दिया हमने एक्स्ट्रा। दोज नंबर विच इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल और भी जो है आप देख लीजिएगा, आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल का एग्जांपल मैं दूंगा। इससे अच्छा है इसके टाइप्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें ये सारे आ जाएंगे, उसी के साथ हम क्या करेंगे अलॉन्ग विद आई विल डिस्कस। ठीक है, तो चलिए टाइप्स। रियल नंबर के अगर आप नोटेशन की बात करते हैं तो ये पहले नोटेशन लिख लीजिएगा स्टार बना के, नोटेशन ऑफ रियल नंबर। ये सब आप लोगों के बेटा 11th क्लास में आएंगे, ठीक है, यूज होगा वहां पर। कैपिटल आर होता है। चलिए अब इसके टाइप्स पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, देखिए टाइप्स तो इसके बहुत होते हैं, सारे के सारे वन डिस्कस करूंगा। स्टार्ट विद द नेचुरल नंबर, स्टार्ट विद नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए अगर आप बात करते हो तो क्या होता है नेचुरल नंबर, इसके बारे में क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, जो बाहर से साउंड आ रहा है दोस्तों के लिए सॉरी, क्योंकि ये आउटर जो स्पेस है यहाँ पे लोग बच्चा लोग रहते हैं वही चिल्ला रहे हैं, सो आई थिंक वो डिस्टर्ब नहीं करेगा हम लोगों को। डेफिनेशन देखिए, इसके अगर आप डेफिनेशन की बात करते हो तो जो इसका डेफिनेशन दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है, लेकिन क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है। सो वो डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है, तो चलिए क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। सो पहला जो इसका डेफिनेशन बनाया गया है जनरली आपको जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, द सेट
नॉन निगेटिव नॉन फ्रैक्शनल नॉन निगेटिव नॉन फ्रैक्शनल इज नोन एज नेचुरल। ठीक है, द स्टेट ऑफ नॉट ऑल नॉन निगेटिव नॉन फ्रैक्शनल नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। सो ये एक डिफिनेशन अभी इन लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद और भी डिफिनेशन, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हम आपको क्लेरिफाई कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला नंबर आपका है सेट। ठीक है, सेट की अगर आप बात करते हो तो देखिए, सेट थ्योरी एक टॉपिक है जो आपके 11th में पढ़ाया जाएगा। और ये होती क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेट वर्ड बनाया था इस वजह के लिए कि अगर आपके पास वेरिएबल्स होते हैं और उसके मोर देन वैल्यूज आ जाते हैं, तब वहां पर हम लोग सेट के एक नोटेशन का यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने 8th क्लास में x plus 2 is equal to 7, तो यहां से आपने सॉल्व किया होता होगा, आई मीन ये आपका हो जाएगा 5। सो यहां पर x की एक वैल्यू, जैसे आपने सेट नोटेशन का यूज नहीं किया है, बट इफ द क्वेश्चन इज एक्चुअली गिवन इन दिस वे प्लस माइनस 7, देन आप क्या करते बेटा लोग, टेक कर लेते पहले प्लस। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x इज इक्वल टू आपका आ जाता 5, एक वैल्यू। दूसरे केस में आपको क्या करना पड़ता, टेक निगेटिव। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 2, दैट कंक्लूड एक्चुअली माइनस 9। सो ये वी हैव द वेरिएबल x एज टू वैल्यूज 5 एंड माइनस 9। सो क्या आप इसका जो सॉल्यूशन दिखाना होता तो ऐसे दिखाते, तरीका है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, तो नंबर जो भी आएगा उसको देखिएगा सेट के फॉर्म में ही, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। दूसरा अगर आप बात करते हो नॉन फ्रैक्शनल, एक तो दे दिया नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस के साथ नहीं होना चाहिए, उसके बाद दिया हुआ है नॉन फ्रैक्शनल। आपको इस नॉन फ्रैक्शनल की मैं कहानी समझाता हूँ। देखिए, इन नॉन फ्रैक्शनल की अगर आप बात करते हो ना, तो नॉन फ्रैक्शन का मतलब क्या है, नॉन फ्रैक्शनल का मतलब ये है, नॉन फ्रैक्शनल का मतलब इसके ये है कि भाई, पहले आपको मैं फ्रैक्शन बताता हूँ, ये फ्रैक्शनल फ्रैक्शन ये सब चीजें आपकी डिस्कस होंगे अभी जब आपका आएगा रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल है थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो क्या कोई नंबर अगर आपको इस तरीके से दिया 5/9, जिसका आपके न्यूमरेटर का भी टर्म हो और डिनोमिनेटर का भी टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल। और ये बोला नॉन फ्रैक्शन, नॉन फ्रैक्शन है तो नीचे से हटाए दो, मिटाने में तो हम लोग बहुत तेज होते हैं। नीचे से हमने क्या कर दिया, हटा दिया डिनोमिनेटर का टर्म, जो नंबर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फ्रैक्शनल नंबर। तो वही चीज है डिफिनेशन इन्होंने बनाया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, एक ही डिफिनेशन नहीं है, डिफिनेशन इसके और भी है, लेकिन उसको लिखने में थोड़ा हमको टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम कंज्यूम है, इस वजह से थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करता हूँ। हाँ बेटा, देखिए एक डिफिनेशन तो हमने ऑलरेडी लिख रखा था, उसके बाद हमारे पास और कई सारे डिफिनेशन होते हैं जो जनरली आपको देखने को मिलता है और आप कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, सबका अपना अलग अलग मतलब है, लेकिन मिला जुला के सब बात करते हैं इनके बारे में। जैसे पनीर का तरकारी डिफरेंट डिफरेंट बनता है, मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर पालक, तो बहुत तरीके का बनता है, लेकिन सबका क्या होता है, एक ही मतलब होता है, सबको पेट में जाना रहता है। और आगे तुम जानते हो, चलो देखो यार, इसका डिफिनेशन की अगर आप बात करें तो दूसरे नंबर कह रहे हैं नेचुरल नंबर आर दो नंबर यूज फॉर काउंटिंग और ऑर्डरिंग। दूसरा डिफिनेशन आपको ये कह रहा है कि वे नंबर्स जो एक्चुअली आपके काउंटिंग के लिए यूज होते हैं और ऑर्डरिंग, मतलब 1, 2, 3, 4 के क्रम में रखने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर, दूसरे वाले डिफिनेशन का कहना है। तीसरे वाले का कहना है नेचुरल नंबर इज इंटीजर,
अब इंटीजर अभी देखिए आगे हम आगे में आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर आएगा तो बता देते हैं ए नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर ग्रेटर देन जीरो। नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर होता है ग्रेटर देन जीरो, और इक्वल नहीं लगाएगी जीरो के लेकर, नहीं ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो को लेना नहीं है। इसके बाद एक डिफिनेशन दिया ए नेचुरल नंबर इज नंबर दैट अकर कॉमनली एंड ऑब्वियसली इन नेचर। भाई जनरली जो साधारणता तरह से नेचर में एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली मतलब हम है विश्वास कर लीजिए उसको हम लोग क्या कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। एक डिफिनेशन कहता है द नेचुरल नंबर आर सिंपली द काउंटिंग नंबर, जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का आप जानते भी होंगे, इवन क्लास में आप लोगों को बताया गया दो नंबर विच इज एक्चुअली यूज फॉर काउंटिंग दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर, ये भी आप लोगों को बताया जाता है। सो इतने सारे डिफिनेशंस होते हैं नेचुरल नंबर के जो जनरली आप लोगों को देखने को मिलता है, सारे के सारे का मतलब एक ही है बेटा लोग। और चलिए इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल तो वैसे आप समझ गए होंगे ठीक है। एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हो तो देखिए नोटेशन के बारे में हमने आई थिंक नहीं बताया तो बता देते हैं। नोटेशन पहले स्टार बना के लिख लीजिए, नोटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए नोटेशन की अगर आप बात करते हो तो कैपिटल एन या स्मॉल एन से दिखाया जाता है ठीक है, कैपिटल एन या स्मॉल एन से यूज करने के लिए ऊपर है। जनरली हमने देखा था कि भाई जो 11th मैथ क्लास का अटेंड करते हैं तो उसमें हमारा स्मॉल एन भी यूज किया था नेचुरल नंबर के लिए, तो दोनों ही क्या किया जाता है यूज किया जाता है नोटेशन पर्पज से। और अगर आप देखिए एग्जाम्पल की आप बात करते हो तो एग्जाम्पल आप लोग जानते हो बेटा लोग कैपिटल एन और एन स्मॉल एन इज इक्वल टू जो आपके 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट ये नंबर्स होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर जो आपको ये इनफाइनाइट नंबर दिखाई दे रहा है इनफाइनाइट एक्चुअली होता है, इसकी स्टोरी मैं आपको बता दूँ। देखिए इनफाइनाइट का मतलब यही होता है भाई अनडिफाइंड नंबर, अनडिफाइंड नंबर ठीक है। और इसका अलग भी नाम है इन्फिनिटी जिसे बोलते हैं इन्फिनिटी, या फिर इसी को इनफाइनाइट भी बोला जाता है ठीक है। ऐसा नंबर जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कोई बोले हम 1 लाख बोल रहे हैं तो कोई 2 लाख बोल देगा, 3 लाख बोल देगा, कोई करोड़ में चला जाएगा, मिलियन ट्रिलियन बिलियन में चला जाएगा, तो नंबर ऐसे इंड नहीं हो सकता। तो यार एक नंबर ऐसा भी होगा जिसको आप बता नहीं पाओगे, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं क्या इनफाइनाइट। इसका सिंबल लेटर हुआ 8 जैसा होता है समथिंग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनडिफाइंड फंक्शन बोलते हैं या अनडिफाइंड नंबर बोलते हैं या इन्फिनिटी इनफाइनाइट जो भी आपको कहना हो वो चीज़ हम लोग यूज करते हैं। सो ये इतनी बातें रही देखिए आप लोगों की बेटा नेचुरल नंबर की। इसके बाद जो अगला पार्ट हमको पढ़ाना है वो पढ़ाना है आपको होल नंबर। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप लोगों को फिर मैं लेके चलता हूँ होल नंबर विद डेफिनेशन।